नमस्कार, लोकमत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेंद्र और मेरे साथ है निखिल। हम बात करेंगे, जो एक बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि धोनी इस विश्व कप में टीम इंडिया का जो आखिरी मैच होगा वो उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आखिरी मुकाबला हो सकता है। और ये जो खबर आ रही है वो सूत्रों के हवाले से आ रही है और इसको लेकर हम बात करेंगे निखिल से। निखिल, आपको कितना क्या लगता है कि इस खबर में कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, ऐसा हो सकता है क्योंकि धोनी टेस्ट क्रिकेट खेलना 5 साल पहले ही छोड़ चुके हैं और जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास लिया था, आपको याद होगा 2014 में ऑस्ट्रेलियाई दौरे के बीच में उन्होंने घोषणा कर दी थी कि आगे से वो टेस्ट नहीं खेलेंगे। तो मुझे लगता है कि धोनी इस वर्ल्ड कप को जीतने के साथ ही चाहेंगे कि वो संन्यास ले लें। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ा कदम होगा। निखिल, जो धोनी की आलोचना हो रही थी, चाहे वो तेंदुलकर की ओर से हो या सौरव गांगुली की ओर से, आप जो पिछले 3 मुकाबले धोनी ने खेले और उसके बाद जो इंग्लैंड के खिलाफ हार रही 31 रन से, उसके बाद सौरव गांगुली ने कहा कि टीम इंडिया 5 विकेट शेष रहते हारती है, आप 300 प्लस करके आप 5 विकेट अपने पास बचा के बैठे हैं और आप 31 रन से हारते हैं। यहाँ तक कि पूर्व कप्तान कहते हैं कि इससे बेहतर रहता आप 270-280 के आसपास ऑल आउट हो जाते, मुझे ज़्यादा दुख नहीं होता। और बात सही भी है कि आप एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, आप कोशिश नहीं कर रहे हैं उस दौरान जिस दौरान आपको रन की दरकार है। और धोनी जो एक बेहतरीन मैच फिनिशर माने जाते हैं वो ये काम नहीं कर पा रहे और आखिरी ओवर में आप छक्के लगाते हैं, क्या ये आलोचनाएं और फैंस की आलोचनाएं ये उनके इस फैसले पे असर डाल रही है? देखिए, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, उनको पता होगा कि उनको किस समय संन्यास लेना है, किस समय नहीं लेना है। मुझे नहीं लगता है कि जो व्यक्ति भारतीय टीम का कप्तान रहा हो और जिसकी कप्तानी में भारत ने 3 वर्ल्ड कप जीते हैं, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप 2007 का हो, 2011 का वनडे विश्व कप वर्ल्ड कप हो, या 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी जिसे मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। तो धोनी को आलोचनाओं से मुझे नहीं लगता है कोई परवाह होगी, लेकिन हाँ, हर खिलाड़ी को पता रहता है कि अब उनका समय आ चुका है, कब उन्हें बल्ला टांग देना है या कब उन्हें ग्राउंड से बाहर जाना है। तो धोनी को शायद ये महसूस कर रहे होंगे कि अब उन्हें युवाओं के लिए जगह खाली कर देनी चाहिए। आपको खुद याद होगा कि उनकी जो बायोपिक बनी हुई है, जो MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी, उसमें एक जगह वो सेलेक्टर्स से कह रहे हैं कि वरिष्ठ खिलाड़ी या महान खिलाड़ियों से समस्या नहीं है, लेकिन एक उम्र हो चुकी है और वो फील्ड में ना उतने तेज़ हैं, और उनकी जगह अगर हम नए लोगों को तैयार करेंगे तो हमें आगे फ़ायदा होगा। जी तो शायद धोनी भी यही सोच रहे होंगे। पिछले मैच में आपने देखा है कि ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक और KL राहुल तीन विकेट कीपर तो उनके साथ खेल रहे थे, और धोनी खुद तो एक चौथे विकेट कीपर चौथे थे और थे। एक इतिहास था कि आज तक टीम इंडिया कभी 4 विकेट कीपर के साथ वनडे में कभी नहीं उतरी थी। जी जी निखिल, अगर धोनी के अंतर्राष्ट्रीय करियर पर अभी तक नज़र डालेंगे, बांग्लादेश के खिलाफ इस बल्लेबाज ने अपने वनडे करियर का की शुरुआत की थी और बांग्लादेश के खिलाफ विश्व कप के मुकाबले के बाद ऐसी कई खबर आती है कि धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जल्द ही संन्यास ले सकते हैं, तो कैसा रहा इनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रदर्शन अभी तक का? देखिए, इनका जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का जो रिकॉर्ड है, ओवरऑल रिकॉर्ड, वो काफ़ी शानदार है। 90 टेस्ट मैचों की बात नहीं करते, वो तो 5 साल पुरानी बात है। अगर वनडे की बात करते हैं तो 348 मैचों में इन्होंने 10,723 रन बनाए हैं, 183 इनका नाबाद स्कोर है, और इसके अलावा 10 शतक और 72 अर्धशतक इन्होंने लगाए हैं। छक्के जड़ने के मामले में इन्होंने 228 छक्के जड़े हैं, शायद रोहित ने उनका रिकॉर्ड पिछले जी मैच में 230 का हो गया हम उनका। ब्रेक किए हैं। तो इसके अलावा अभी फरवरी तक T20 भी खेल रहे थे, तो 98 T20 में इन्होंने 1600 से ज़्यादा रन बनाए हैं और सिर्फ 2 अर्धशतक हैं उनका इस मामले में। इसके अलावा IPL में वो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं। तो धोनी का ओवरऑल करियर एक बल्लेबाज के तौर पे मैं ज़्यादा मानता हूँ कि कप्तान के तौर पे ज़्यादा सफल रहा है, क्योंकि उनके पास एक ऐसी टीम रही है जिसकी बदौलत उन्होंने 3-3 वर्ल्ड कप जीते हैं। लेकिन बल्लेबाजी की अगर उनकी बात करें तो बल्लेबाजी कभी पिछले 3 सालों से आप देखेंगे तो धोनी उतने प्रभावशाली नहीं रहे हैं। करियर के शुरुआती दौर में वो काफ़ी अच्छा खेलते थे, या उसके बाद युवराज और धोनी की जो एक जोड़ी बनी थी, मुझे लगता है ये करीब उसने 100 वनडे मैचों में इन्होंने उस दौरान अपनी छाप छोड़ी है। तो लेकिन पिछले 3 सालों से धोनी का मामला पूरी तरह गड़बड़ हो गया था। विकेट कीपिंग को भी लेके धोनी बहुत अच्छे विकेट कीपर कभी भी नहीं रहे हैं, एडम गिलक्रिस्ट की तुलना में हो, या ईयान हिली की तुलना में हो, या कुमार संगकारा की तुलना में हो। तो धोनी कभी इन लोगों की तुलना में विकेट कीपर उतने अच्छे नहीं माने गए। बल्लेबाज इसलिए माने जाते हैं क्योंकि भारतीय टीम में आज तक वैसा कोई विकेट कीपर नहीं हुआ था। वो भारतीय टीम का किरण मोरे हो, अजय रात्रा हो, सैयद किरमानी हो, नैन मोंगिया हो, तो ये सभी काफ़ी औसत बल्लेबाज थे।
और इनसे आप मैच जिताने की अपेक्षा कर ही नहीं सकते थे, लेकिन धोनी के आने के बाद ये चीज़ें बदल गई और टीम में वो 10 सालों तक, मुझे लगता है कि 2005 से लेकर 2015 तक टीम इंडिया उन पर डिपेंड रहती थी। जी, और आप कह रहे हैं, आपका मानना है कि धोनी इतने ख़ास विकेटकीपर नहीं थे, बताओ, अगर तुलना करते हैं एडम गिलक्रिस्ट से, लेकिन वर्तमान दौर के अगर विकेटकीपर को देखें तो उनको विकेटकीपिंग, जो विकेटकीपर हैं बतौर विकेटकीपर, वो मेरे हिसाब से वो शानदार हैं वर्तमान दौर के जो विकेटकीपर हैं वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं। अगर निखिल ये बात की जाए कि एक कप्तान यानी कि विराट कोहली की कप्तान होने के बावजूद, विकेटकीपर पे आपसे चर्चा कर लूँ पहले, कि आपका मानना है कि धोनी अच्छे विकेटकीपर हैं, लेकिन जो फैक्ट होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, आप उनसे देखिए ना, इस वर्ल्ड कप में वो विकेटकीपरों में सबसे नीचे हैं जी, वो 9वें नंबर पर हैं। सिर्फ अफगानिस्तान के जो 2 विकेट कीपर्स हैं उनके पीछे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि 6 मैचों में अफगान के दूसरे विकेट कीपर ने ये की है और उसके बाद 2 अलग अलग मैच हैं, तो हम कैसे मान लें कि धोनी बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं। इस वर्ल्ड कप का उदाहरण देख लें आप। जी, और निखिल मैं इसके आगे जो बात जोड़ने जा रहा था वो ये थी कि एक कप्तान होने के बावजूद एक माना जाता है कि भारतीय टीम में एक और कप्तान रहता है, यानी कि खुद विकेट के पीछे से महेंद्र सिंह धोनी, जो टीम को एडवाइस देते हैं वक्त वक्त पे, और जो DRS की जो बात आती है वो हर जगह ये माना जाता है कि विकेटकीपर को ज़्यादा पता होता है हमेशा, लेकिन कप्तान विराट कोहली भी लगभग आँख मूंद कर उन पर भरोसा करते थे हर वक्त DRS को लेकर, खुद भी ये बात कहा जाती थी कि धोनी रिव्यू सिस्टम DRS बन चुका है। तो अनुभव होना और साथ में विकेट की बल, जो कप्तान है, कप्तान ना होने के बावजूद भी कप्तानी वो टीम इंडिया के लिए करते देखे, तो एक अनुभवी खिलाड़ी का टीम से चले जाना कितना हद तक नुकसान दे सकता है टीम इंडिया को, और अगर धोनी निकलते हैं टीम से तो उनके स्थान पर कौन सा ऐसा विकेट कीपर है जो आपको लगता है कि वो टीम इंडिया के जो प्लेइंग 11 है उसमें फिट हो सकता है? देखिए, पहले तो हम DRS की बात कर लेते हैं, वो तो भारतीय मीडिया किसी को कुछ भी बना सकती है। अभी इंग्लैंड के खिलाफ मैच में क्या हुआ था, कौन से ओपनिंग बल्लेबाज थे, सर बेरिस्टो थे या जेसन रॉय थे, सीधे कैच था, धोनी विराट कोहली ने धोनी की तरफ देखा और धोनी चूक गया वहाँ और भारत मैच वहीं हार गया। ये हुआ है ऐसा? तो पिछले कुछ मैचों में धोनी भी DRS को लेके कंफ्यूज रहे हैं। अच्छी बात है, वो विकेट के पीछे जो भी रहते हैं, लेकिन अब पूरा एक इतिहास देखेंगे तो क्या आपको याद नहीं है कि एडम गिलक्रिस्ट विकेट के पीछे रहते थे, वो कप्तान भी रहते थे, और कई बार मैंने खुद देखा है कि रिकी पॉन्टिंग साइड में खेल रहते थे और गिलक्रिस्ट बॉलर से आगे बातचीत करते थे। कुमार संगकारा को आपने देखा है जो 400 वनडे मैचेस खेले हैं। तो विकेट कीपर की भूमिका होती ही ऐसी है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बल्लेबाज को जो सामने से देख रहा होता है या गेंदबाज को देख रहा होता है, तो उसे पता रहती है कि गेंद, अगर LBW का मामला है तो गेंद कहाँ पड़ी है, और अगर एज का मामला है तो लगी है या नहीं। ये तो विकेट कीपर से ज़्यादा नज़दीक कोई होता नहीं है। तो ऐसी भूमिकाएं सिर्फ धोनी ने नहीं निभाई है, ये हर देश के विकेट कीपर ने निभाई है। और मैं गिलक्रिस्ट और संगकारा की ही बात करता हूँ, दोनों काफ़ी समय तक टीम के उपकप्तान भी रहे हैं, संगकारा तो कप्तान भी रहे हैं, तो उन्होंने ऐसी भूमिका निभाई है। लेकिन हर चीज़ को इस तरीके से देखना है कि यही व्यक्ति है और यही सर्वश्रेष्ठ है, तो ऐसा नहीं होता है। आपने बात की गिलक्रिस्ट की, और गिलक्रिस्ट की ये बात शायद ही कोई क्रिकेट फैंस भूल सके कि जब उन्होंने लक्ष्मण कैच छोड़ा तो उसके बाद उन्होंने फैसला लिया था कि वो अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास उनको ले लेना चाहिए। उनको लगा कि वो फिलहाल शायद वो अनफिट हैं उस दौरान। निखिल, वापस आते हैं अगर धोनी पे, तो 2007 में आप बांग्लादेश से हार कर बाहर होते हैं और उसके बाद T20 कप्तानी धोनी के हाथों में थी और टीम को उस वक्त भारतीय फैंस ने ही इतनी आलोचना की, उनके पुतले जलाए हर खिलाड़ियों के घर के आगे, बात करें खुद धोनी की भी काफ़ी आलोचना की गई, लेकिन 2007 में T20 विश्व कप खिताब वो जिताते हैं, पहला T20 विश्व कप वो था। उसके बाद 2011 में भी इंडिया दूसरी बार वनडे का विश्व कप खिताब अपने नाम करता है। 2007 से 2011 के बीच में धोनी ने जिन ऊंचाइयों को तक पहुंचाया टीम को, वो आपको क्या लगता है, तुलना करें अगर गांगुली और धोनी की, और धोनी की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए, 2011 को हम छोड़ दें, आप पिछले 3 सालों की अगर परफॉर्मेंस देखते हैं तो कैसी रही है उनकी? पहले उन कप्तान पे बात कर लेते हैं। वो एक जैसा आपने उदाहरण दिया, तो वो एक माना जाता है कि टीम बनाई उन्होंने 2007 के बाद और अच्छा खेला। अब इस पे हम दो पार्ट में मैं चर्चा करता हूँ। 1983 में जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीती थी तो कपिल देव कितने साल के थे, कितने युवा थे वो, और सुनील गावस्कर जैसे महान बल्लेबाज जो 71 से खेल रहे थे और 12 साल बाद, और उनसे काफ़ी छोटे थे कपिल देव, लेकिन वो टीम तो कोई खास नहीं थी। कपिल देव ने वो कारनामा किया था। 2000
2007 का वर्ल्ड कप तो आप हारने के बाद थोड़ी बहुत आलोचना हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, ये कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं थी। लेकिन 2000 का दौर याद कीजिए, जब मैच फिक्सिंग कांड हुआ था, हैंसी कोनियो का बयान आप याद कीजिए, मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा जब फंसे थे वो याद कीजिए, तो वो एक भरोसा जब उठ गया था लोगों का क्रिकेट से, उस दौर में सौरव गांगुली ने टीम बनाई थी जिसमें जहीर खान थे, युवराज सिंह थे, हरभजन सिंह थे, इन लोगों को लेके, और वो टीम पहली बार ICC टूर्नामेंट जो हुआ था वो पहुँची फाइनल तक, भले ही न्यूजीलैंड ने फाइनल जीत लिया था। लेकिन अब आप ही बता दीजिए कि 83 वाला कपिल देव का कारनामा बड़ा था, या 2000 में गांगुली का कारनामा बड़ा था, या 2007 में धोनी का बड़ा था। ये तीन उदाहरण मैं रखता हूँ। अब दूसरी चर्चा इस पे कर लेते हैं कि टीम बनाने की बात। 2007 में जो टीम थी वो युवाओं की टीम थी, लेकिन उसमें कुछ ज़बरदस्त प्लेयर थे। हरभजन सिंह 98 से खेल रहे थे, उनका अनुभव 10 साल का था, ठीक है, आपको याद होगा कि वो कितनी अच्छी गेंदबाजी की थी। इरफान पठान 2004 में टीम में आ चुके थे, जिन्होंने फाइनल में अच्छा किया था। गंभीर 2005 में ही धोनी के बाद टीम में आए थे, तो गंभीर अच्छे बल्लेबाज हैं। सहवाग 99 से खेल रहे थे। इसके अलावा युवराज सिंह, ये मतलब जो जिन्होंने की भूमिका निभाई, आपको युवराज सिंह का दो पारी याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 गेंद पर 70 रन और इंग्लैंड के खिलाफ 16 गेंद पर 58 रन, या गौतम गंभीर की आपकी फाइनल की पारी याद होगी कि 75 रन बनाए थे। वीरेंद्र सहवाग का विस्फोटक बल्लेबाजी, तो कुल मिला के वो टीम ऐसी नहीं थी कि जितने युवा दिखाई जा रही थी, क्योंकि उसमें 10-10 साल वाले प्लेयर नहीं थे। और सहवाग हो, चाहे हरभजन सिंह हो, चाहे युवराज हो, वो इस सब उस दौर के और 2007 में उस समय वनडे के या T20 के सबसे बेस्ट प्लेयर थे। तो दूसरा जो मेरा प्रश्न था वो ये था कि धोनी के स्थान पर कौन सा विकेटकीपर ऐसा है जो टीम इंडिया में फिट बैठता है, और दूसरा कि नंबर 6 की जो बल्लेबाजी जब वो हटेंगे तो कौन उसके लिए सही साबित हो सकता है। देखिए, अभी जो भारत के पास तीन तो ऑलरेडी हैं जो अगले वर्ल्ड कप खेलने का मादा रखते हैं, वो टॉप 3 बल्लेबाज हैं, शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली। इन तीन स्थान पे तो मैं कोई चेंज नहीं देखता हूँ। हाँ, लेकिन पिछले 1.5 साल में जिस तरह से ऋषभ पंत ने प्रभावित किया है T20 और वनडे में, तो मुझे लगता है कि चौथे नंबर पर ऋषभ पंत रहेंगे। एक जो चौथे नंबर पांचवें नंबर की लगातार जो पिछले 2 साल से आप जो टीम देख रहे थे, अंबाती रायडू या केदार जाधव, जाधव को बीच में ही ड्रॉप कर दिया गया और रायडू ने, भारतीय टीम शायद वर्ल्ड कप में 3 बार चुनी गई है, एक बार यहाँ से लेके गए थे, दूसरी बार इनका रिप्लेसमेंट हुआ, दो दो शिखर का रिप्लेसमेंट हुआ और जी, तो तीन तीन बार अमाती रेडू को नहीं चुना गया, थकार के उन्होंने संन्यास ले लिया। तो इसके बाद अब जो मुझे दिखता है कि श्रेया सैयर या मयंक अग्रवाल जैसे खिलाड़ी टीम में शामिल हो सकते हैं, और ये निचले क्रम में, क्योंकि रहाने मुझे नहीं लगता कि रहाने वापसी कर पाएंगे। और धोनी के अलावा अगर छठे नंबर पर अगर खेलना होगा तो इन्हीं खिलाड़ियों में से कोई होगा, और विकेट कीपिंग का जिम्मा मुझे लगता है कि पंत के ही कंधों पर रहेगा, क्योंकि मात्र 21 साल के हैं, तो भारतीय टीम आगे का भविष्य देखते हुए पंत को ही मौका देना चाहेगी। जी, और निखिल, अपने दर्शकों को बताएं कि धोनी की जो अचीवमेंट रही है, बड़ी जो उपलब्धियां रही है अभी तक की, वो क्या क्या रही? देखिए, धोनी की सबसे बड़ी उपलब्धि 2006 से जब शुरू होती है, जब पाकिस्तान का दौरा हुआ था, उन्होंने शतक लगाया था, 148 रनों की पारी खेली थी और मुशरफ ने भी उनकी प्रशंसा की थी। उसके बाद सबसे बड़ा जो अचीवमेंट रहा 2007 का वर्ल्ड कप, जो उन्होंने एक युवा टीम के साथ जीता। उसके बाद 2008 में आप आते हैं तो सीबी सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया में था, पहली बार भारतीय टीम 2-0 से वो सीरीज जीतने में कामयाब रही। फिर 2008 में जब कुंबले ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी, तो उसके बाद नंबर 1 जो उन्होंने टेस्ट टीम बनाया, ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी, टेस्ट में भारतीय टीम को नंबर 1 बनाना। फिर 11 का वर्ल्ड कप है, फिर आप देखेंगे कि 13 में उन्होंने ICC चैंपियंस ट्रॉफी में, 15 में उनके ही कप्तानी में टीम सेमीफाइनल तक का सफ़र किया था, 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी आप याद करेंगे फाइनल तक का सफ़र तय किया था। तो धोनी के खाते में कप्तानी के तौर, कप्तान और खिलाड़ी के तौर पे हर तरह का जो रिकॉर्ड होना चाहिए वो जब, और इनमें एक और रिकॉर्ड जो था वो श्रीलंका के खिलाफ 183 नाबाद, वो भी एक रिकॉर्ड था। और निखिल, अगर धोनी के पिछले 3 सालों के जो प्रदर्शन को देखा जाए, क्योंकि जो उनका डाउनफॉल शुरू हुआ वो वहीं से शुरू होता है, लगभग 2.5-3 साल का जो अंतराल रहा उसमें धोनी कुछ हद तक नीचे गिरने शुरू हुए थे,
तो कैसा रहा है अभी तक पिछले 3 सालों का? देखिए धोनी अभी 38 साल के हो चुके हैं और हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो जब वो 35 साल के थे। तो क्रिकेट में आपने देखा होगा कि 35 साल के बाद 5% ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छा खेले हों। मतलब सचिन थे, द्रविड़ थे, कैलिस थे, संकारा थे, पॉन्टिंग थे, सब ने अच्छा प्रदर्शन किया, 35 के बाद भी अच्छा किया है। लेकिन सबके खेल में रुकावट आपने देखी होगी कि सबका खेल पहले की तुलना में, एक दशक पहले की तुलना में वो गिरावट हर किसी के खेल में देखने को मिली थी। द्रविड़ के भी में मिली थी, सचिन में मिल गई थी। सचिन की तो माना जा रहा था कि 2011 के वर्ल्ड कप में जीतने का तो संन्यास की घोषणा कर देंगे, लेकिन वो 1 साल तक उन्होंने संन्यास नहीं लिया तो काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी कि वो 100वें शतक का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन धोनी पिछले 3 साल से जो युवराज सिंह की जगह खाली हुई थी, मेरा अब भी मानना है 4थे नंबर पे वो धोनी को भरना चाहिए था, क्योंकि 2013 से आपकी एक टीम बन चुकी थी। शिखर धवन थे, रोहित शर्मा थे, विराट कोहली थे, ये 3 अस्थाई स्तंभ बने हुए थे। लेकिन 4थे नंबर पे वो धोनी ने कभी खेला नहीं। 4थे नंबर पे उन्होंने सिर्फ 30 मैच खेले हैं जी, और उन्होंने 83 मैच 5वें नंबर पे खेला है और 6ठे नंबर पे 129 मैच खेला है। तो धोनी खुद पसंद करते थे, मेरा जैसा मानना है कि वो आखिर में आए और आखिर तक अगर थोड़ा सा गेम बचा रहे तो ख़त्म कर दें। और कई बार मुझे, मेरा निजी मानना है कि धोनी कभी भी, मुझे वैसा नहीं लगा कि वो अपनी जिम्मेदारी के साथ, एक जो जिम्मेदारी उनको निभानी चाहिए थी उन्होंने निभाई। जब वो अच्छा खेल रहे थे 2005 से 3-4 पार्ट में धोनी को देख लेते हैं, 5 से 9 के बीच में देखिए, तब टीम में कौन लोग थे? द्रविड़ थे, सौरभ गांगुली थे, सचिन तेंदुलकर थे, वीरेंद्र सहवाग थे, गौतम गंभीर थे, युवराज सिंह थे, ये थे 6 बल्लेबाज। और अगर ये 6 बल्लेबाज हैं तो 7वां जो है वो खुद अच्छा खेलेगा। जो बड़ी टीमें होती हैं, जैसे अभी आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा, एक ऑस्ट्रेलिया का दौर था कि सारे खिलाड़ी अच्छा खेलते थे, तो वो टीम थी। फिर 9 से 13 के बाद जब सहवाग थोड़ा सा अंदर बाहर हो रहे थे, गांगुली ने संन्यास ले लिया था, द्रविड़ ने संन्यास ले लिया था, तो उसके बाद उन्होंने युवराज के साथ एक काफ़ी बढ़िया मध्यक्रम को जमाया। ओपनिंग में सहवाग और गंभीर और मध्यक्रम, फर्स्ट डाउन पे विराट कोहली और फिर युवराज धोनी। तो ये भी 13 तक आप देखेंगे ये बहुत सटीक रहा। फिर 13 से 17 के बीच में जो थोड़ी बहुत समस्या आई, सहवाग टीम से बाहर हो गए, गंभीर टीम से बाहर हो गए, उसके बाद ये जिम्मा शिखर धवन और रोहित ने संभाल लिया, फर्स्ट डाउन कोहली। लेकिन यहीं से फिर धोनी को कुछ करना चाहिए था। मुझे लगता है कि 14 में उन्होंने टेस्ट से संन्यास भी ले लिया था, तो उनके पास काफ़ी समय था कि वो 4थे नंबर पे आके बल्लेबाजी करते। और मेरा मानना है कि धोनी इतने बड़े खिलाड़ी हैं, अगर वो कप्तान से कहेंगे कि मुझे 4थे नंबर पे खेलना है तो वो मना नहीं करेंगे। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि वो 6ठे नंबर पे खेलना क्यों चाहते थे। और कोई जिस टीम के किसी खिलाड़ी के पास अगर 250 मैचों का अनुभव है, वो 6ठे नंबर पे क्यों खेलेगा? साकिब का उदाहरण देखिए, साकिब हमेशा 5वें नंबर पे, 4थे नंबर पे खेलते रहे, लेकिन एक बड़े खिलाड़ी की भूमिका क्या होती है ये साकिब ने दिखाया। इस वर्ल्ड कप में वो फर्स्ट डाउन आए और उन्होंने 2 शतक और 4 अर्धशतक के बदौलत 542 रन बनाए हैं, 11 विकेट चटकाए हैं, ऐसा इतिहास में कोई नहीं किया है। तो आपको कुछ भी करने के लिए या याद रखने के लिए ऐसी पारियाँ, ऐसी भूमिकाएँ निभानी पड़ती हैं। धोनी जो शतक लगाए थे 183 148, वो जब गांगुली ने या जो द्रविड़ समय कप्तान थे उनको ऊपर भेजा, फर्स्ट डाउन भेजा, तब वो लगा पाए थे। ऐसा नहीं था कि वो 6ठे 7वें नंबर। बात करें विदेशी धरती करें तो विदेशी धरती में भी धोनी का प्रदर्शन इतना कोई शानदार नहीं रहा है। और शतक के लिए ये अभी तक कितना क्या रहा है इनका शतक और अर्धशतक का अगर मामला देखा जाए अभी तक विदेशी धरती पर? विदेशी धरती पर आपको हम बता देते हैं कि इनका जो अगर निखिल बात करते हैं, अगर बाउंस वाली पिचेज जो है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, उसमें अगर प्रश्न देखा जाए धोनी का तो कितना रहा है? क्योंकि रोहित शर्मा हमेशा से परेशानी इनको पर ये परेशान रहे हैं साउथ अफ्रीका की बात करें अगर टेस्ट सीरीज़ की या उसके बाद भी अगर बात करें, लेकिन रोहित शर्मा ने अपने पे काम किया और उसके बाद विश्व कप में एक ही टूर्नामेंट में वो 4 शतक लगाते हैं और अपने सुधार करते हैं। लेकिन धोनी की बात की जाए तो नंबर 6 पे आते हैं। और आलम यह कि लोकेश राहुल
नंबर वन भले ही सलामी बल्लेबाजी ये कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन पंड्या उनसे ऊपर आते हैं, धोनी से ऊपर पंड्या आते हैं, जबकि एक ऑलराउंडर हैं और दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, और ऐसे बल्लेबाज जिनको बेहतरीन फिनिशर कहा जाता है और नंबर वन फिनिशर भारतीय फैंस मानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि विराट कोहली आखिर क्यों नहीं चाहेंगे कि उनके पास जो 350 वनडे खेलने वाला एक बल्लेबाज हो वो चौथे नंबर पे जाए या पांड्या से ऊपर जाए। तो मुझे कई बार लगता है कि धोनी का ही डिसीजन रहता है कि वो नहीं, हम नीचे ही खेलेंगे, और क्यों खेलेंगे तो ये मुझे समझ में नहीं आता है। आप रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे कि होम और अवे की, तो होम पे उनका औसत 54 का है और जो 7 शतक उन्होंने लगाए हैं, 8 शतक 10 शतक 10 शतक उन्होंने टोटल लगाए हैं, तो 7 शतक इंडिया की धरती पे, 2 नेचुरल है और 1 विदेश में है उनका, ठीक है। अब जैसे पिछले साल की ही उनकी तुलना करते हैं तो 20 वनडे मैचों में उन्होंने सिर्फ 275 रन बनाए थे और उनका औसत भी गिर के 25 हो गया था, 1 V50 लगाने में वो सफल नहीं रहे थे। 19 में भले उनका अच्छा रहा है, 16 मैचों में उन्होंने 550 रन बनाए हैं, 550 भी जड़ी हैं, लेकिन 17 में उनका औसत 60 का रहा है, 16 में उनका औसत 27 का रहा है। तो जो गिरावट देखने को मिली है वो 2016 से देखने को मिली है, और इस मैचों की तुलना कर लें तो 13 और 42 58 मतलब 70 पिछले 70-80 मैचों से, मतलब जिस धोनी को आप चाहते थे कि वो टीम में हो और जिस धोनी को आप जानते थे वो नहीं दिख रहा था। तो चलिए अब देखना होगा कि जो एक खबर आ रही है और सूत्रों के हवाले से यही है कि BCCI के अधिकारी ने खुद ये बात बोली है कि विश्व कप के बाद धोनी के आगे खेलने की संभावनाएं बेहद कम है। तो देखना होगा इसमें कितनी सच्चाई है और ये कितनी खबर सच्चाई इसमें नहीं है। और 2 विश्व कप जिताने वाले भारत को, T20 विश्व कप और 2011 का वनडे वर्ल्ड कप अगर बात करें, तो इन 2 विश्व कप को जिताने वाले धोनी को फैंस चाहेंगे कि अगर वो वाकई संन्यास लेते हैं इस विश्व कप तो टीम इंडिया उनको विश्व कप जीत के साथ एक तोहफा दे और उनकी एक विदाई शानदार हो। तो तब तक के लिए मुझे यानी राजेंद्र सिंह गुसाई और मेरे साथी निखिल को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।